वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने पहली तिमाही के नतीजे 25 जुलाई को जारी कर दिए गए और उन्हीं की समीक्षा के लिए ये वीडियो अभी पब्लिश किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे निवेशकों की मदद करना है जिनका या तो कैनरा बैंक में ऑलरेडी निवेश किया हुआ है या फिर वो निवेश करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज एंड पब्लिक डोमेन एंड पब्लिश्ड इन गुड फेथ। व्यूअर इन देयर ओन इंटरेस्ट मे लाइक टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंसर्न सोर्स बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर कमिटिंग एनी मनी। यहाँ पर कैनरा बैंक के हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, मतलब 1 जुलाई 1906 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बारे में जानकारी के अलावा जो मुख्य जानकारी ये है कि 6.5 रुपया डिविडेंड प्रति शेयर जो पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा था 2021-22 में इन्होंने डिक्लेयर किया, और वो 5 साल के गैप के बाद जो पिछला डिविडेंड था 2016-17 में वो 1 रुपया प्रति शेयर था। उसके बाद 6.5 रुपया डिविडेंड प्रति शेयर जो डिक्लेयर किया और पे कर दिया है ऑलरेडी, तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश देता है, मैसेज देता है कि जो मैनेजमेंट है या गवर्नमेंट है जिसके पास इसकी अधिकतम हिस्सेदारी है वो उसको बैंक की आगे की परफॉर्मेंस के बारे में कितना भरोसा है। और ये अभी भी जो शेयर है करीब 0.67 के बुक वैल्यू के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है जो काफी रिजनेबल है कंपेयर टू पब्लिक ऑल पब्लिक सेक्टर एंड मैनी वेरी वेरी अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू कंपेरेबल बैंक और प्राइवेट सेक्टर। और इसमें खास बात जो अभी तिमाही में नजर आई है वो है गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में इनके काफी बहुत अच्छा वृद्धि देखने को मिला है। तो ये इनकी हाईलाइट है। जो रिटेल क्रेडिट में ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर YoY 15% करीब है, एडवांस भी 15% करीब बढ़े हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% बढ़ गया और नेट प्रॉफिट में 71.8% की जो ग्रोथ देखने को मिली। नेट इंटरेस्ट इनकम 25% बढ़ा और नॉन इंटरेस्ट इनकम 25% बढ़ा और इंटरेस्ट इनकम जो 10% बढ़ा। PCR 84.5%, नेट NPA 2.48, 98% BPS डिक्लाइन है और ग्रॉस एनपीए में 152 BPS का डिक्लाइन देखने को मिला है जो करंट क्वार्टर में रिजल्ट आए हैं। उसके अलावा कॉस्ट टू इनकम रेशियो 210 BPS का सुधार उसमें है, रिटर्न ऑन इक्विटी 480 BPS का सुधार है, हाउसिंग लोन 16% ग्रोथ है, गोल्ड लोन में 26% ग्रोथ है, रिटेल क्रेडिट 11% है और फी बेस्ड इनकम में 17-18% है और कैपिटल एडिक्वेसी 155 BPS इम्प्रूवमेंट, ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट। गोल्ड लोन में जो खास दिखाया इसीलिए इसके लिए अलग से इसको हमने हाईलाइट करने की कोशिश किया। गोल्ड लोन जो 1 लाख करोड़ माइलस्टोन क्रॉस कर गई है और 26% की ग्रोथ दिखाई, क्यू ग्रोथ 9% है। तो एक्चुअली क्या है, कैनरा बैंक का जो मार्केट है बेसिकली साउथ इंडिया जहाँ पे मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस पहले गोल्ड लोन में मतलब बहुत अच्छा कारोबार करते थे, उनका कारोबार अभी उतना तेज रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जितना कैनरा बैंक का गोल्ड लोन का कारोबार में, ये अभी आपको ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरा जो है ये हाईलाइट इसकी है, हर एक फ्रंट पे आपको लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो या फिर प्रोविजनल कवरेज रेशियो जो 84.51 के पास पहुंच गया, और असेट क्वालिटी में भी लगातार सुधार जो कि नेट एनपीए आ गया 2.48 और जो है ग्रॉस एनपीए 6.998। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी है, इसका मतलब जो है अभी निकट भविष्य में इनको और कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में जाने तो इंटरेस्ट इनकम में करीब 1,500 करोड़ का इजाफा हुआ और अदर इनकम में थोड़ा 1,000 करोड़ का डाउन रहा, तो करीब 500 करोड़ टोटल इनकम में इम्प्रूव हुआ क्यू क्यू बेसिस में, वाई बेसिस में जून 21 से जून 22 तिमाही के दौरान। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 1,000 करोड़ बढ़ गया है और
प्रोविजंस करीब करीब उसी लेवल में है, और टैक्स जो है आपका 1094 करोड़ से 2058 करोड़ रिपोर्ट किया है। जैसा चर्चा हो चुकी है, ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए, नेट एनपीए में 3.46 से सुधार होकर 2.48 देखने को मिला है। एनुअल बेसिस में देखें तो काफी अच्छी ग्रोथ है, और इसमें जो थोड़ा कंट्रीब्यूशन जो मर्जर हुआ है सिंडिकेट बैंक का, उसकी वजह से भी है। और इस प्रकार अभी जो है प्रॉफिटेबिलिटी इसका बहुत ज्यादा है, इम्प्रूव हो गए 7,000 करोड़ प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने रिपोर्ट किया। तो आने वाले समय में बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबिलिटी और जो उसी का जो मतलब डिराइव्ड होता है आपका शेयर प्राइस, तो शेयर प्राइस में काफी इजाफा दिखने की उम्मीद है आने वाले समय में, ये सब नतीजों को देख। इनका प्राइस चार्ट का अगर हम देखें, जो पिछले बार भी हमने शेयर किया था 20 साल का जो प्राइस परफॉर्मेंस है, वो 20 साल की प्राइस परफॉर्मेंस में ये देखने को आया कि ये भाव जो 2003 से अभी तक कितनी बार ऊपर हुआ, 2011 में बहुत 750 से भी ऊपर चला गया था, और अभी वो करीब बहुत कम 230 रुपए के आसपास प्राइस में उपलब्ध है। एक साल का प्राइस ट्रेंड भी दिखाएगा कि अभी भी जो है बहुत सस्ता नहीं है, किंतु एक अच्छे बेस बना के अपमूव की तैयारी में लग रहा है। तो ये जानकारी थी कैनरा बैंक के बारे में। सिंडिकेट बैंक से विलय हो ही चुका है, और उसका जो है मर्जर की जो सिनर्जी का फायदा बैंक को देखने में आ रहा है, जो क्वार्टरली रिजल्ट में साफ साफ नजर आता है। तो ये जानकारी जो लोग ऑलरेडी इसमें निवेश कर चुके हैं या निवेश करने के इच्छुक हैं, उम्मीद है उनके लिए कारगर सिद्ध होगी और उनके काम आएगी। यदि आपको लगता है कि वीडियो में जानकारी आपके काम की है, तो वीडियो को YouTube पर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। और हमारे YouTube ट्विटर हैंडल B72 पर भी ये वीडियो उपलब्ध होंगे, वहां पर भी आप जाके इनको लाइक और कर सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू।